MS Word. Okay. MS Word I will teach you how to do practical in MS Word. Okay. So first of all, we will write something. Like I am writing. Class 6. Students of Bethany Convent School. Students of Bethany Convent School. Student of Bethany Convent School. Okay. That much I have written. After that, we have lots of settings here. You see what tabs we have in MS Word. Home tab, insert tab, page layout, reference, mailing, review. So we want to do any changes in this whatever we have written. First we will select it. Hum isko pehle select karenge. Okay, we'll put the cursor here. We'll select it. Control C. सेलेक्ट करेंगे फिर हम कुछ इंसर्ट करेंगे. वी विल इंसर्ट. हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है. ओके, वट एवर वी हैव रिटन उसका हमें फॉन्ट चेंज करना है. इफ वी विल यूज वर्ड आर्ट. दिस इज वर्ड आर्ट. यू नो ऑल ऑफ यू वर्ड आर्ट. यू नो नो डोंट टॉक. वर्ड आर्ट यू नो. सो वी विल क्लिक ओवर हियर. सी क्लास 6 स्टूडेंट्स ऑफ बेथनी कॉन्वेंट स्कूल. ऐसे आ गया. Now, again we will select it. Okay, and we will press Control A, then select. Then we will insert some other tab, other uses. Whatever we can insert header and footer. कभी कभी हम चाहते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में टाइटल इंसर्ट करें, है ना. हम अपने डॉक्यूमेंट में क्या इंसर्ट करें? टाइटल. तो हम उसके लिए हेडर इंसर्ट करते हैं, है ना. कैसा हेडर आपको चाहिए? तो यहाँ पे हेडर इंसर्ट हो गया. तुम टाइटल लिखोगे MS Word. हम किस में काम कर रहे हैं? MS Word में. ओके, तो दिस इज वन थिंग. Now we will do editing in some another thing. हम फिर से एक नया लेंगे. जैसे हम एक new document लेंगे, new blank document. Okay? फिर हम क्या करेंगे? We will insert something. हम insert करेंगे table. Table के बारे में हमने पढ़ा था. We will insert table. Table insert करेंगे. कितने row हमें लेने हैं और कितने column लेने हैं इधर. ओके, हमें कितने रो कितने कॉलम लेने हैं हम उतना ले लेंगे. क्लिक. फिर यहाँ पे हम अपने हिसाब से उसको एंटर करेंगे, जो भी हमें एंटर करना है. जैसे क्लास, हम यहाँ पे एक टेबल बना सकते हैं. क्लास नेम. ओके, देन रोल नंबर. वी कैन मेक दिस काइंड ऑफ थिंग यूजिंग MS Word. क्लास में हम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन क्लास 6. डाउन एरो को यूज करके हम सारे कॉलम में क्लास 6 यूज करेंगे. क्लास 6. और नेम में हम मान लो कुछ भी लिखेंगे. ऐसे करके हम टेबल बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. कुछ भी लिख सकते हैं. रोल नंबर 1, 2, 3. रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख सकते हैं. फिर हम इसको सेव कर सकते हैं. कंट्रोल एस. हम इसको सेव कर सकते हैं. क्लास सेव करेंगे डेस्कटॉप में. सेव. अब देखते हैं हमारा डॉक्यूमेंट सेव हुआ है कि नहीं. क्लोज करेंगे इसको. सेव. ओके, डॉक 1. ये डॉक 1 के नाम से सेव हो जाएगा. लेट्स सी कहाँ पे सेव है. डॉक 1 एंड क्लास सेव हो गया. दिस इज क्लास एंड दिस इज डॉक 1. हम इसको ओपन करेंगे. वी विल ओपन इट क्लास 1. थी, हमने जो बनाया था. अब हम क्या करेंगे? हमें इस पूरे डेटा को चार्ट में कन्वर्ट करना है. ओके, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे. इंसर्ट कोई भी चार्ट. हियर यू कैन सी वी हैव डिफरेंट चार्ट. क्लिप आर्ट. वी हैव
सेव चार्ट, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट से डिफरेंट टाइप के। स्मार्ट आर्ट मैंने तुम्हें पढ़ाया था, एक कॉन्सेप्ट था स्मार्ट आर्ट, मैं बताऊंगी क्या है। चार्ट इंसर्ट कराएंगे, हमें कौन सा चार्ट चाहिए? देखो अलग अलग चार्ट होते हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, ऐसे कर करके डिफरेंट चार्ट होते हैं, है ना। तो व्हाट काइंड ऑफ चार्ट वी वांट टू यूज, वी विल यूज जैसे कि लाइन चार्ट, जैसे पाई चार्ट है ना, वी वांट टू यूज दिस काइंड ऑफ चार्ट, तो हम उसको ओके करेंगे और हमारे ये डेटा जो है वो चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। विल सी, सी हुआ हमारा डेटा किस में कन्वर्ट हो गया, चार्ट में। तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट एनी डॉक्यूमेंट वट एवर यू हैव रिटन इन MS वर्ड। यू अंडरस्टूड? You understood or not? Yes. Okay.